नमस्कार, फिर से मैं शुभ चांदनी पटेल जी को प्रोड्यूसर हमारी सोनिका जी और डायरेक्टर हमारे सुनील जी, योगेश जी, ऐसी कोई फिल्म नहीं है और हंड्रेड क्या बोलते हैं और 199 योगेश भाई के आशीर्वाद के बगैर हो जाए, तो उनका आशीर्वाद हमें मिल गया है। और योगेश भाई तो मतलब ब्राइट एवरी, शायद इंडिया में ऐसा कोई कोना ना हो जहां पर ब्राइट नहीं पहुंचा है। ब्राइट ने अपनी ब्राइट से सभी फिल्म इंडस्ट्री को पूरा चमकाया हुआ है, सारे ब्रांड्स को चमकाया हुआ है। और बेसिकली ये ब्राइट ना योगेश भाई की मुस्कान से निकलती है। जो ब्राइट, आप सब सोचते हो योगेश भाई ने ब्राइट नाम क्यों रखा है, क्योंकि योगेश जी, अब मैं इस फिल्म का जो पोस्ट हुआ है सतीश जी, जो ऑडियो लैब के ऑनर है, प्लीज उनका वेलकम करना चाहूंगा। और ये वेलकम हमारी प्रोड्यूसर सोनिका जी करेंगी। बहुत ही अच्छा माहौल रहा और सभी ने अपने अपने पार्ट को बहुत अच्छे से निभाया है। थैंक यू स्टाफ कास्ट, टू कास्ट, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, को प्रोड्यूसर, स्पेशली चांदनी जी, शुभ चांदनी जी, जिन्होंने एक फिल्म में काम किया था, फिल्म का नाम था, बहुत हिट फिल्म थी, दिल का एडिटर, मैंने अपनी लाइफ में बहुत गलतियां की और उससे बहुत कुछ सीखा, और वो गलतियां सीख के मैं ट्राई किया कि रिपीट ना करूं, कई बार रिपीट हो भी गई। फाइनली मुझे एक चीज़ समझ में आई कि मैं आज भी सीख रहा हूं, मैं शायद कल भी सीखते ही रहूंगा, बट इससे एक प्रोसेस मुझे समझ में आया कि एज ए ह्यूमन बींग हम सभी का एक स्ट्रगल है, और जो बार बार मिस्टेक दोहराता है वही कुत्ते की दुकान से। यही आपको करना चाहूंगा सुनील जी, इनकी एक गलती हम लोग और देखते हैं स्क्रीन पे। नहीं, गलती नहीं एक बार आपको ट्रेलर देख लेते हैं तो फिर उसके हिसाब से आपको समझ में आएगा कि क्या मैं असिस्टेंट था तभी से, अजीज भाई के साथ मैं म्यूजिक सेटिंग में बैठता था और उनके म्यूजिक के लिए अजीज भाई मुझे खुद भी बोलते थे गाना कैसा है, रखना चाहिए कि नहीं। तो एज एन असिस्टेंट मेरा म्यूजिक में बहुत ध्यान था, और आप फिल्म मेकिंग देखो तो टोटल विजुअल और साउंड के ऊपर ही डिपेंड करती है, तो ये दोनों चीज़ में मैंने स्टार्ट से ही सीखना शुरू किया। मेरा जोनर ही है। मैं जनरली अपनी पर्सनल लाइफ में भी बहुत कॉमेडी करता हूँ, ये ऑटो हो जाता है, ऑटो मोड में हुआ कॉमेडी में। बहुत बहुत अच्छा लगा नए लोगों के साथ काम करके। इनफैक्ट मेरा ये विजन था कि मैं इंडिया के हर कॉर्नर से, जैसे ये एक बंदा अपना राज रहमान अली उड़ीसा से, अपना ललित सिंह राव ये राजस्थान से, जस बोपरा है ये पंजाब से, मैं घूम रहा था। मुझे बेस्ट एक्टर्स चाहिए, मुझे चाहिए थे कि टीनेजर के सब्जेक्ट है ये, और मुझे ऐसा फाड़ू एक्टर चाहिए कि भाई फोड़ डाले उस स्क्रीन,
पर दे वेर माइंड ब्लोइंग व्हाट आई शोड देम दे गिव मी 200%. इसके लिए मैं कम्प्लीटली खुदा को ही बोलूँगा कि खुदा ने मुझे पहले दिन से ऐसी जगह रखा. मेरे गुरुजी का नाम था अजीज सजवार. पहले उन लोगों की फिल्म आपने देखी इलाका, शतरंज, माफिया, बाप नंबरी बेटा दस नंबरी, उनका भी होल्ड बड़ा कॉमेडी में ज़बरदस्त था. तो खुदा ने मुझे ब्लेस किया ऐसा डायरेक्टर जिसके अंडर में मैं काम किया, प्लस उनके एक्टर्स जैसे चीची भैया, गोविंदा, हाय हाय क्या सीखने मिलता था. मतलब लिटरली कान पकड़ के बोलता हूँ, गुरुओं के साथ में था. ये ब्लेसिंग्स थी मेरे लाइफ में कि ऐसे लोगों के बीच में मुझे बैठने का मौका मिला. और मेरे अंदर जो हुनर खुदा ने ऑलरेडी दिया था उसको इस वजह से पॉलिश हुआ. लास्ट म्यूजिक फंक्शन जी, कितने गाने हैं, किस तरह के गाने हैं? गाने मैंने इसमें हर टाइप के रखे और कॉमेडी को मैंने फोकस गानों पर नहीं किया, मोर ऑफ स्टोरी पर किया हुआ है. जो मेरी स्टोरी लाइन कह रही है, इट्स अ वेरी सीरियस लाइन बट आई हैव टोल्ड इन वेरी कॉमेडी. थैंक यू, बहुत ही उत्साह के साथ रही है और
नकाब वाला बंदा है वो मैं ही हूँ, तो चेहरे का नकाब तो खुल गया, ये राज खुल चुका है। तो इस कैरेक्टर का क्या क्या गेम है इस फिल्म में, क्या स्पेशलिटी है, क्या खासियत है, तो वो चीज़ आप लोग फिल्म देखते ही समझ गए। तो मैं ज़्यादा कुछ अपने कैरेक्टर का डेफिनेशन नहीं देना चाहूँगा, आप सभी से और जनता से आपके थ्रू से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ गो एंड वॉच द फिल्म, यू गोना लव इट, यू गोना एंजॉय इट विद योर फैमिली विद योर किड्स, सो इट्स रियली अमेजिंग, प्लीज़ गो एंड वॉच। Yeah, good evening everyone and thank you so much for coming and blessing us with your presence. मेरा कैरेक्टर बहुत ही चुलबुला है, बहुत ही नौटंकीबाज, जुगाड़ू, बहुत ही ओपन, बहुत ही लाइवली कैरेक्टर है, बहुत मतलब बहुत लाउड कैरेक्टर है मेरा। एंड बहुत ही मज़ा आया मुझे कैरेक्टर करते हुए। एंड या प्लीज़ मूवी देखिए, बहुत ही मज़ा आएगा आपको। इट्स अ कम्प्लीट एंटरटेनिंग मूवी, इट्स हॉरर कॉमेडी और सबके लिए, कोई भी इसका जा सकता है, बच्चे बुजुर्ग कोई भी जा सकता है। एंड या इट्स अ गुड, थैंक यू सर, ऑल द बेस्ट।
बहुत बहुत थैंक यू करना चाहता हूँ जिन्होंने हमारे ऊपर बिलीव किया और
थैंक यू सो मच। आज एक म्यूजिक फिल्म की म्यूजिक रिलीज का अवसर है। नॉर्मली कॉमेडी जो फिल्म होती है एक्चुअली उसमें म्यूजिक काफ़ी हार्ड होता है, किस तरह का म्यूजिक है, कितने गाने हैं आपके, गाना करते हुए साउंड करते कितना मज़ा आया जी? इस मूवी में टोटल 4 गाने हैं, बाकी इसके बारे में हमारे डायरेक्टर सर बताएंगे आपको। और बहुत ही अच्छा म्यूजिक है, बहुत ही अच्छे गाने हैं, आप सब इन्जॉय करो। जी जी, ये फिल्म पूरे ऑल ओवर इंडिया में शूट की गई है और 12 डेज में इसका शूट कंप्लीट किया गया, जो कि बहुत ही अपने आप में एक रिकॉर्ड दर्ज है। फिल्म के दौरान मैं एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग यही कहूँगी कि मैंने जैसे कि बताया पहले मैं एक कोरियोग्राफर थी, तो मैंने बहुत से शूट्स ऐसे देखे हैं जहाँ पे डायरेक्टर प्रोड्यूसर आर्टिस्ट लोग से बहुत अच्छी तरीके से काम नहीं करवाते, बहुत डांटते हैं या कुछ, लेकिन मुझे ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं हुआ। मुझे बहुत अपनापन लगा, मतलब जो प्रोड्यूसर मैम है मुझे मेरी माँ की कमी बिल्कुल फील नहीं हुई, और डायरेक्टर सर मुझे कभी मेरे पिता की कमी नहीं फील हुई, अपने बच्चों की तरह मुझे हमेशा ऐसे समझाया और मुझे बहुत कुछ सिखाया। सबसे बड़ा मैं यही आपको यही बोलना चाहूँगी कि मैंने इस फिल्म से मैंने बहुत कुछ सीखा है अपनी लाइफ में। ऐसा लग रहा था जैसे एक फैमिली को छोड़ के दूसरी फैमिली ज्वाइन किया, तो पूरी टीम ने एक फैमिली की तरह काम किया। जी, फुल कॉमेडी मूवी है, फैमिली मूवी है, पूरा सस्पेंस थ्रिलर है और आप पूरी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं। एक्चुअली कुत्ते की दुम ऐसी मूवी है जो आप अपने परिवार के साथ भी देखने जा सकते हो, क्योंकि ये बहुत कॉमेडी है, रोमांस है, थोड़ा हॉरर भी है, ड्रामा है, तो इसको बहुत इंजॉय करोगे और इससे एक सीख भी मिलेगी। थैंक यू ऑल ऑफ यू। क्या कहना चाहोगे फिल्म के बारे में और क्या सिखाना है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो हर फिल्म की तरह की इनकी फिल्म भी अच्छी चले और अच्छा धंधा करे और ऑल ओवर इंडिया में 3-4 हज़ार स्क्रीन मिले इनको, और पिक्चर इस मतलब शुभकामना मेरे दिल की हर टाइम इनके साथ रहती है। शकील भाई, नगमा, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, जितनी भी छोटे बड़ी फिल्म, कोई फिल्म छोटी या बड़ी नहीं होती, हर एक फिल्म के साथ ब्राइट साथ में है और आप ऑडियंस भी साथ में रहने चाहिए और डिस्ट्रीब्यूटर, एग्जीबिटर्स और सब भी अच्छे इनको मिल गए हैं, तो फिल्म शो जल्दी अच्छा रहता है। उसका रीज़न ये ना कि मैं भी कभी एक छोटा इंसान था, मैंने 1-1 रुपये का रोड पर न्यूज़पेपर बेचा है और माचिस बेची और 0 से सेल्फ मेड बन के सबसे बड़ा आदमी बना हूँ और इंडिया में ब्राइट नंबर 1 बना है, तो मैंने अपनी गरीबी के दिन भूले नहीं है। तो मैं चाहता हूँ हर सुपरस्टार की लाइफ के पहले पीछे जैसे मैंने की, उनके भी वो लोग भी थोड़े छोटे थे फिर बड़े हुए, तो ऐसे हर एक फिल्म को सपोर्ट करना चाहिए और भगवान ऊपर से हमारे जैसे इंसान के जरिए लोगों को मदद करता है, हर एक का धंधा चलाता है, तो कोई भी फिल्म छोटी या बड़ी या इवेंट्स या मैं हर एक को अपना एक अच्छा भाई इंसान और एक अच्छा काम कर सकूँ इस तरह का अपने दिल को समझता हूँ और इसलिए मैं हर फिल्म को सपोर्ट करता हूँ। वो टेढ़ी के टेढ़ी रहती है, अभी तक सीधी हुई नहीं और चाहता हूँ ये फिल्म के बाद सीधी होए। Happy Diwali and prosperous bright future and bright new years. टाइटल पे ज़्यादा दिन वर्क नहीं हुआ, जैसे हमको डायरेक्टर ने बताया कि फिल्म का नाम कुत्ते की दुम रखते हैं, तो एक साथ सबने बोला वाह, सोचना ही नहीं पड़ा दूसरी बार।
एक्साइटमेंट एज ए प्रोड्यूसर बहुत ज़्यादा है, उम्मीदें भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जितना मैं समझती हूँ कि पब्लिक जो है, जो हमारी जनता है, नई चीज़ों को बहुत अच्छे से अप्रिशिएट करती है। क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जब मैं नई थी और मेरी पहली फिल्म दिल का क्या कसूर थी, तो उन्होंने सर आंखों पर बिठाया उस फिल्म को। उसी तरह मुझे अपनी एज ए प्रोड्यूसर इस फिल्म के लिए भी पूरी उम्मीद है और बहुत ज़्यादा खुश हूँ मैं, और नए कास्ट को लेके भी ज़्यादा खुश हूँ। क्योंकि इन लोगों में जो लगन और जो एक काम को लेके कहते हैं ना आग है, वो आपको स्क्रीन पे नज़र आएगी। बहुत ही अच्छा काम किया है सब ने। वेलकम, थैंक यू सो मच। म्यूज़िक अच्छी है, फिल्म अच्छी है, आप लोग भी बहुत अच्छे हो, और थैंक यू सो मच आप लोगों को भी आने के लिए और हम लोगों को सपोर्ट करने के लिए। आपका बर्थडे बहुत बधाई हो आज, सबसे पहले तो आपको बधाई देना चाहेंगे, आपके बर्थडे के दिन मुझे के लिए पूरा डबल सेलिब्रेशन है। थैंक यू, इतना बड़ा गिफ्ट देने के लिए कि आप लोग आए हैं सेलिब्रेट करने के लिए, इतना मेरे लिए बहुत है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। हैप्पीनेस एक्सप्रेस करने के लिए कोई शब्दों में नहीं बांध सकते हैं, लेकिन आप मेरी स्माइल देख के पता कर सकते हैं कि मैं कितनी खुश हूँ, कितनी सेटिस्फाइड हूँ और कॉन्फिडेंट हूँ। एक्चुअली मेरे पूरी नई स्टार कास्ट है, वो लोग बहुत मेहनती है, मैंने उन लोगों का नाम रखा है माई लकी स्टार्स, और उन लोगों ने जितनी मेहनत की है वो सब कुछ दिखती है, और उन लोगों ने बहुत मुझे कोऑपरेट किया। थैंक यू जी। मेरे और दो प्रोजेक्ट आ रहे हैं जिसके बारे में मैं अभी नहीं बताऊंगी, लेकिन उसके लिए मैं सोच रही हूँ आप लोग को एक और पार्टी दे दूँ। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग इंडियन आइज 24 न्यूज। प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल, प्रेस द बेल आइकॉन फॉर फ्यूचर नोटिफिकेशंस। Click on the like button. Must do share the link. Thank you.